हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, एनटीपीसी परीक्षा ग्रुप डी परीक्षा गणित के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 45 करेंगे। जैसा कि आपको पता, हर वीडियो में हम टॉप 10 प्रश्न डेली करते हैं और हर वीडियो में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, साथ में दो क्वेश्चन हमने ऊंचाई दूरी के लिए हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। और कुछ मतलब सारे जो भी क्वेश्चन आज एडवांस मैथ के हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एडवांस मैथ से जो पोर्शन पूछा जाता है आपके रेलवे एग्जाम में, उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, एकदम बेसिक लेवल के होते हैं। साथ में एडवांस के जितने भी प्रश्न होते हैं, मुझे लगता है बेसिक ही होते हैं, क्योंकि जितना भी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स का पेपर, उसमें बेसिक ही लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगा पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो एक भी फॉर्मूला इधर उधर हुआ तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, या तो आप सवाल में फंस जाएंगे। इसलिए पहला स्टेप होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। तो चले आइए प्रश्नों पे डायरेक्ट चलते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस की बात करें तो यहीं पे आप देखेंगे ढेर सारे फॉर्मूले आपके यूज हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहली बात, साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक तो 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, ये आपको मिनिमम इतना सबका याद होना चाहिए। उसके बाद आपको भी पता है कि टेन का उल्टा आपका कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण होता है, ये भी पता होगा, ठीक। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये भी पता होगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये भी पता होगा। उसके बाद सारी चीज़ें क्या होती हैं, उल्टी हो जाती हैं, कोसेक के साथ, सेक के साथ और कॉट के साथ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। इसमें एक और फॉर्मूले का यूज किया जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब भी लगाएंगे, जब भी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी अलग मतलब ऊंचाई दूरी लंब, ठीक है, तब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो यहाँ पे आपका दिया है पहले क्वेश्चन में, देखो उत्तर नहीं दिया है, बहुविकल्पी नहीं है, मतलब आंसर नहीं दिया है मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न को लिख दिया है। टेन थीटा का वैल्यू दिया है 12/5। अब आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर जब आपको पता रहेगा लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो अगर जो हम यहाँ पे कोई यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, कोई ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे लंब आपका क्या हो जाता है, लंब आपका ये हो जाता है, यानी कि लंब आपका 12 हो गया, आधार 5 हो गया। अब यहाँ पे ये निकालना है आपको कर्ण। अगर जो आपको ट्रिपलिंग पता होगा तो आपको पता है आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा 13। मान लो ट्रिपलिंग नहीं पता तो कैसे निकालोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर कर्ण बराबर कर सकते हो, कर्ण बराबर कर्ली में आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंब स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर आ जाएगा 144 प्लस 25 यानी कि 169, यानी कि कर्ण की वैल्यू हो जाएगी √13 का स्क्वायर, तो यानी कि 13 निकल के आ जाएगा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 12/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको फाइंड करना रहता कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 5/13 यहां पे इसका आंसर हो जाता। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से है। यहां पे दिया है साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए। यहां पे अगर जो हम साइन को साइन ए है, साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए, कॉस ए को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 3/4। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता रहेगा कि टेन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, साइन थीटा बटे साइन ए बटे कॉस ए बराबर हो जाएगा टेन ए, टेन ए बराबर आ गया 3/4। टेन ए की वैल्यू क्या होती है, टेन ए होता है आपका यहाँ पे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे अगर जो हम लिखे लंब बटे आधार, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब आपका ये हो गया, लंब यानी कि 3, आधार आपका 4। अब यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, 3 4 है, ट्रिपलिंग पता है तो आपको 5 हो जाएगा, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सेक स्क्वायर ए। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है आपका, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा,
कर्ण बटे आधार, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, चूंकि स्क्वायर लगा हम स्क्वायर लगा देंगे, तो कर्ण यहाँ पे 5 निकल के आया है, आधार कितना है 4, 5 बटे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 बटे 16 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आशा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बेसिक देखो अभी ये तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मतलब प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप, और भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे आपके, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक ये सीरीज चलती रहेगी टॉप 10 प्रश्नों की। साइन थीटा 5, साइन थीटा बराबर 4, तो आप एक काम कर सकते हो, साइन थीटा बराबर लिख सकते हो 4/5, यानी कि आपने 5 को उधर ले गए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब आपका 4 है, कर्ण 5 है, फिर से यहाँ पे आप निकाल लो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, लंब आपका कितना है 4, कर्ण आपका 5 आया, तो यहाँ पे आधार निकालोगे, आधार निकालोगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या लिख सकते हो, 5 गुणे साइन थीटा बराबर लंब बटे आप कर्ण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, माइनस 3 कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर्ण लिख सकते हो, बटे यहाँ पे क्या है साइन थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण, माइनस क्या लिख सकते हो, 2 गुणे आधार बटे कर्ण। अब सारी चीज़ें पुटअप करते चले जाओ, सब कुछ पुटअप करोगे देखो क्या आता है, 5 गुणे लंब बटे कर्ण, लंब आपका 4 है और कर्ण 5 है, यानी कि 5 गुणे 4/5 माइनस 3 गुणे यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लंब बटे कर्ण आपका यहाँ पे 4/5, आपने 4/5 पुटअप कर दिया, उसके बाद प्लस 2 गुणे 3/5 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 से 5 इसको काट देते हो, तो 4 माइनस 3 त्रिका 9/5 हो जाएगा, 4 माइनस 9/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, ये पहले से ही है, और प्लस 2 द्वितीया 6, यानी कि प्लस 6/5 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 माइनस 1 यानी कि 11/5 इधर हो गया, और बटे इसको सॉल्व करोगे 10/5 इधर आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11/5/10/5 यहाँ पे 5 से 5 से काट सकते हो, 5 से 5 से कट जाएगा, उसके बाद 11/10 ये निकल के आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक फॉर्मूले है। ठीक है, आगे इससे टफ वाले भी करेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक जब पता होगा तभी आप आगे लगा पाओगे। अब इसी वाले क्वेश्चन को देख लो, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की कॉस 60 की वैल्यू पता होगी तभी आप इसको लगा पाओगे। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक, उसके बाद 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो √3/2 प्लस √3/2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 2√3/2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2√3/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे, 1 सही 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 के अंदर 2, 1 3/2, यानी कि 3/2 प्लस 1/2, 3/2 और प्लस 1/2 को सॉल्व करोगे तो 4/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 √3/2 अब यहाँ से इस 2 को इस 2 से काट सकते हो, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया 2√3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत नहीं है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइन 20° / cos 70। देखो यहाँ पे अगर जो हम साइन 20° है, साइन 20° है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन 90 - 20, कोई दिक्कत नहीं, हमने सेम साइन 90 में से अगर जो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, देखो साइन थीटा बराबर यहाँ पे कॉस, सॉरी यहाँ पे मैं 20 नहीं होगा, साइन 20, सॉरी यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा एरर हो रहा था, इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं, सेम कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही करना है, साइन 20 को आप ये लिख सकते हो ना, साइन 20 को आप ये लिख सकते हो, साइन 20 = साइन 90 - 70, कोई दिक्कत
ये साइन 20, ये है साइन 20 है क्योंकि 90 में से 70 कटाओगे, साइन 20 हो जाएगा। और एक चीज़ आप फॉर्मूला पढ़ोगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी आप फॉर्मूला बेसिक में ही आता है, ठीक है। इसलिए साइन 20 को अगर जो आप साइन 90 माइनस 70 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 70 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 70 ऊपर, कॉस 70 नीचे, यानी कि कट के आपका एक आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखो ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खम्भे हैं भू सतह पर अवस्थित है। मान लो ये भूमि है आपका, एक 10 मीटर का खम्भा है, एक आपका 15 मीटर का खम्भा है, दोनों भू सतह पर अवस्थित है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये 12 मीटर दोनों के बीच की दूरी है, उनके शीर्ष के बीच की दूरी आपको ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी बतानी है, शीर्ष वाली दूरी। इसको कलर चेंज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली दूरी आपको बतानी है, ठीक है, ये दूरी बतानी है। यहाँ पे अगर जो यहाँ से अगर जो मिला देते हैं सीधा, तो ये 12 है तो हमारा ये भी 12 हो जाएगा, ये 10 है तो हमारा ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये ऊंचाई 5 हो गई, ये आपकी 12 हो गई, ये 5 हो गई, और ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल को अलग कर लो, इस ट्रायंगल को अलग कर लो, अभी देखो दिखने लगेगा आपको क्या निकालना है, ठीक है। ये 5 हो गई ऊंचाई, ये आधार 12 है, तो आपको यही तो दूरी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, ट्रिपलिंग जिनको पता होगा वो कहेंगे 13 होगा आंसर, तो आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 13 मीटर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है एक गोला की त्रिज्या आर है और शंकु की त्रिज्या आर है, दोनों की त्रिज्या आर है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे दोनों के आयतन बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन दिया है बराबर, गोले का आयतन बराबर है किसके, शंकु के आयतन के। तो यहाँ पे आपको कैसे लगेगा, जब तक आपको दोनों का आयतन का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे शंकु के आयतन की बात करें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। काटते चले जाओ जो भी चीज़ें कट जाएं, ठीक है, 3 से 3 काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो, आर स्क्वायर है तो आर क्यू यहाँ पे 2 कट जाएगा, 1 आर बचेगा, यानी कि आपको ऊंचाई निकालनी है तो इधर सिर्फ एच बच रहा है, यानी कि एच की वैल्यू क्या आ गई, इधर 4 आर बचा, यानी कि एच की वैल्यू 4 आर आ गई। क्या यहाँ पे दिया है आंसर, जी हाँ 4 आर दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक गोले का आयतन 905.7 घन सेंटीमीटर है, तो उसका आपको क्या बताना है, व्यास बताना है। तो गोले का आयतन कितना दिया है, गोले का आयतन दिया है आपका 905.7। पहली बात 905.7 को सॉल्व करोगे, 7 का गुणा 905 में होगा, 1 ऐड होगा, बचे बटे 7 लिख दोगे। और यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अभी आपने देखा था, तो इसी के पहले वाले क्वेश्चन में गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन भी देखा आपने, शंकु का आयतन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोले का आयतन आपने लिख लिया। अब 905.7 इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो 6336, 7 का गुणा 905 में करोगे, 1 जोड़ोगे, 6336 बटे 7 हो जाएगा। अब आपको निकालना है आर, आर निकालोगे तभी आप व्यास निकाल पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आर क्यू है, ठीक है, आर क्यू है, तो आर क्यू इधर ही रहने दो, 4/3 और पाई को इधर लाओ, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देना इधर लाके, ठीक है। तो 6336/7 और पाई की वैल्यू 22/7 इधर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 22, एक तो पाई का वैल्यू आया था 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, और क्या आ जाएगा, 4 साथ में आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम काटेंगे, 7 से 7 काट देंगे, 22 चौके क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 22 चौके 88, और 88 को अगर जो हम 6336 को काटेंगे, ये साफ साफ कितने टाइम में कट जाएगा, 72 बार में कट जाएगा, यानी कि आर क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 216 किसका क्यूब है, 216 की बात करें, यहाँ पे 6 का क्यूब है, यानी कि आर बराबर 6 निकल के आ गया। अब यहाँ पे व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि व्यास निकालोगे, डी निकालोगे, डी को डी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल के आ गया। तो यहाँ पे 12 देखो आंसर आया, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आया, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी त्रिभुज के तीनों कोण 3x, 2x-7, 4x-11, तो x का मान निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे 3x हो जाएगा प्लस 2x-7, 2x-7 ये 7 है, ठीक है, प्लस
4x माइनस 11 बराबर 180 डिग्री, 3x यह है, 4 है, 2x है, 3 2 5x और यहाँ पे 4x यानी कि 9x माइनस 7 और माइनस 11, 9x माइनस 18 बराबर 180 डिग्री। अब माइनस 18 को इधर लाओगे तो 9x बराबर माइनस 18 इधर आएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 198 और 9 से इसको काट दोगे ये आपका 22 बार में कट जाएगा यानी कि x की वैल्यू जो आ गई 22 डिग्री आ गई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, मान लो ये भूमि है, यहाँ से 75 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पतंग उड़ रही है, 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। अब जाहिर सी बात है जमीन से कोई बंदा उड़ा रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से जो उड़ा रहा है वो डिग्री एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे डोरी की सन्निकट लंबाई मीटर में, ये डोरी की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकालनी है। तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो आपको पता होता है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 लगाओगे ना, हाँ साइन 60 लगाओगे, ठीक है। तो साइन साठ आपका क्या होता है, साइन साठ, देखो साइन साठ का हो या साइन थीटा का हो, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है, लंब यहाँ पे 75 है, 75 आपका दिया है। अब यहाँ पे देखो ए बी सी मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है ए बी, यानी कि लंब आपका 75 दिया, कर्ण दिया नहीं है, कर्ण को आप ए सी मान लो, बटे ए सी कर लो, ए सी कर लो। साइन साठ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन साठ की वैल्यू होती है रूट 3/2 बराबर 75 बटा ए सी। आपको ए सी निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 75 गुणा 2 यानी कि 150 और यहाँ पे बटे रूट 3, 150 बटे रूट 3। तो आंसर में आपको 150 बटे रूट 3 दिख नहीं हो रहा होगा, आप एक काम करो, आपको पता होगा परिमेयीकरण कर दो, ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा करो, रूट 3 से गुणा करोगे तो आपका 150 रूट 3 बटे आपका हो जाएगा रूट 3, रूट 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से जो 150 को काटोगे 50 रूट 3। ये भी आंसर में नहीं दिख रहा, दिख रहा कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है 50 होता है गुणा रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, इसका मल्टीप्लाई करोगे समथिंग 86.600 आएगा, 86.600। ये भी आंसर में नहीं दिख रहा लेकिन 86.600 को हम 87 लिख सकते हैं लमसम में, लगभग में, ठीक है। तो 87 आपका आंसर में दिख रहा, तो 87 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अभी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।